यहाँ पर अबू उठ चुके हैं, दुआ और ईमान अभी सो रही है, यहाँ पर सो रही है, ईमान यहाँ पे सो रही है, दुआ और जो है ना यहाँ पर सोया था उमर, वहाँ पे सो रही है फौजी और फातिमा। तो अभी अबू जा रहे हैं नमाज के लिए वजू करने, उस साइड पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, फौजियार उठेंगे, बाकी माहम और रुखसार जो अंदर सो रही हैं। तो बस अभी उठते हैं नमाज के लिए वजू बनाते हैं। उमर उठ गया, फ्रेश भी हो गया, नहा के बस ये अभी नमाज पढ़ेगा। यहाँ पर उमर नमाज पढ़ रहे अभी। हाँ अबू नमाज पढ़नी है आपने? नहीं, क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माई यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए मुस्कराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नमाज कुरान से और आज जुम्मा का बाबरकत दिन है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक करे इस जुम्मा के सदके फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिले, फ़लस्तीनियों को रिहाई मिले, उनके लिए दुआ करे। अल्लाह पाक उनके लिए मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मा का दिन है, सब दुआ करें अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे, मुश्किलें दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। या रब, हमारे ब्लॉग का यहीं से करती है आगाज़ अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ, हमें भी याद रखिएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर बच्चे उठ गए, अभी दुआ भी उठ गई है, ईमान भी उठ गई है, और माशाल्लाह यहाँ पर मेरी और ईमान की चाय आ चुकी है। ईमान उठ गई जल्दी, नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पे, दुआ अपनी चाय ले रही है। यहाँ पे अब्बू ने अपना नाश्ता ले लिया, चाय सुबह सुबह नमारी होती है। और मेरे हस्बैंड को उधर ही मिल गया, उमर कर रहे हैं सफाई, मोबाइल और अब्बू के रात कपड़े वाश किए थे। ना कभी अब्बू जाएंगे वाक पर रेडी होके, कपड़े जो मैंने वाश किए थे मैंने कहा आप ले जाएं साथ, क्योंकि फारूक भाई के भी वाइट होते हैं और इनके भी मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए गांव से घास लेकर, उमर भी आ गया होगा। उमर कहाँ है? घास लेना ज़्यादा है मुझे लगता है। बिस्मिल्लाह, खास ज़्यादा है आज। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये है हमारी लाइफ भाई, कहते हैं कि आप खेतों में और घर के काम में भी पूरे होते हैं और ऐसे भी तैयार कर लेते हैं, तो क्या करें भाई, रोटी के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और आपने शादी का नहीं बताया, आपकी शादी कैसी रही? कल मैंने भी नहीं पूछा। किसकी शादी? मेरी। हाँ, जहाँ पर आप गए थे। हाँ, शादी ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। उमर कहाँ है? उमर आ रहा है पीछे, लोड हो गया था कुछ। हाँ, ये देखें ये पीछे जा रही है ना ये सीट, वजन ज्यादा हो गया था, घास ज्यादा, कमाद भी है और चावल का घास भी है। मैंने कहा कि आप पैदल चलते हो पीछे, आराम आराम से रास्ते में दो जगह कल्टी हो गई थी, इसलिए उल्टा पुल्टा घास है। आज यहाँ तक घास लोड करके है, रेड़ी वहाँ पर है, घास यहाँ पर है, ये बंप बोलते हैं ना लकड़ियों के ऊपर ही घास है। आज हमारे घर आए हैं गेस्ट और यहाँ पर बनी है चाय मेरी, अब्बू की और ऐशा की। तो अभी जा रही हूँ, अब्बू के घर स्कूल टाइम है, स्कूल को भी छुट्टी हो गई, बच्चे आ रहे हैं घर और बाहर रश भी है। ये आ गया जहाँ पर रश, देखिए बच्चों का सामने चक्की चली, रुखसार भी आ गया यूनिफॉर्म चेंज करके मासी को मिलने, और ये भी स्कूल से सीधा भाग के इधर आ गई। चलो अब चलो तैयारी करें, फिर चलते हैं चलो स्थान। चलो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पता नहीं मेरे कज़न को कहाँ लेके गए थे। यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं, रुखसार भी साथ जा रही है और रुखसाना कह रही है मम्मा मैं आपके साथ नहीं जा रही, हम जाना बाद में जाएंगे, किला डीरावर जाएंगे हम लोग। दुआ को देखें कैसे खुश हो रही है। मम्मा
और माशाल्लाह देखें ये कैसी मेहनत कर रही हैं लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बड़े सब मिलकर। और माशाल्लाह हमारे यहाँ चावल की ये देखें फसल बिल्कुल रेडी है, तो अभी इसकी कटाई हो रही है। यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखें एक आंटी लेके जा रही हैं, सिस्टर होंगी, यहाँ पे छटकी जा रही हैं। चावल जो है ना घास से अलहदा किए जा रहे हैं, तो सब अपना अपना घास भी बना रहे हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं। आज जो है ना अब्बू को फिर से खांसी आ रही है, तो रास्ते से इनकी दवाई लेंगे क्योंकि इनको मट्टी की वजह से खांसी होती है। ईमान अब अच्छा लग रहा है आपको? इधर देखो, सबको जुम्मा मुबारक बोलो, जुम्मा मुबारक। तो आज हम जा रहे हैं मेरी खाला के घर, मेरी एक ही खाला है सगी, चौलिस्तान में रहती हैं, तो जा रहे हैं उनके घर क्योंकि अब्बू भी आए हैं। ऐशा भी कब से कह रही थी हम लोग एक साथ चलेंगे, तो अब अब्बू आ गए तो एक साथ चल रहे हैं उधर। यहाँ पर सब उतर गए थे, चलो बैठो, चलो चलो भाई, पूरा रास्ता हमने वीडियो नहीं बनाई, चलो 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 चलो। और भी यहाँ पर अब्बू आते ही हमारी भांजी है कौसर, उसके साथ हंसी मजाक करें। मेरा जो है ना मसा तो गया हमारी जबान में, हमारा कज़न वो वहाँ सामने कचरा चुन रहे, घास की तैयारी करे। और यहाँ पर देखें छोटे छोटे मेम ने देखे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, ये देखे तंदूर पे चढ़ गया। और यहाँ पर देखें किसान कितनी मेहनत करते, और ये मेरे ख्याल से घास की तैयारी हो रही है, इसमें से सारा कचरा चुन के ना, यहाँ पर सब्जी थी जब मैं आई थी ना, चने थे, तो वो उसके बाद मेरे ख्याल से घास बीजा होगा, जो टोटली कचरा चुन के उसको आग लगाई जा रही है। और दुआ मेरे पीछे रोती है, क्या हो गया? तो ये देखें ये इस तरह होता है, और ये कचरा ऐसे था पूरी ज़मीन में, और यहाँ पर ये ऐसे ना हाथों की मदद से ना ये कचरा चुन चुन के ढेरियाँ बना रहे हैं, और ढेरियों को आग लगा रहे हैं ऐसे। चलो आ जाओ, तो आप बाहर आओ, आओ। और मेरे हस्बैंड भी इसीलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये खुला एरिया, वो जहाँ पे भी बंदा जाए देखे ना कोई शोर ना शराबा, एकदम से सुकून वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये वाला माहौल जो है ना बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत। यहाँ पर देखें किसी को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ना ही लाइट की, ना ही आने की बिजली की, ना ही जाने की, ना ही किसी के नुकसान की। ये देखिए इसने, पकड़ 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 कहाँ पर से पकड़ पकड़े जा हाँ शाबाश। दो अच्छा लगता है आपको? वो भी अच्छा लगता है। चलो अब चले, आ जाओ खाला आ गए मिले उनसे। और हमारी खाला कपास चुनने गई हुई थी, तो अभी आइए उनसे मिलते हैं। और इसकी तबीयत वैसी की वैसी, और ये कैसे ईमान खेल रही है, दुआ नहीं खेल रही है। ओरे देखो, ओरे देखो कुक नहीं देखो, और ये चुप नहीं हो रही, मोबाइल पे कार्टून लगा दो, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ओ ये देखें, और यहाँ पर जो है ना ईमान बिल्कुल अपनी जो है ना लाइफ इंजॉय कर रही थी, इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी इस कबूतर के पीछे भागती, कभी मुर्गी के पीछे भागती, और यहाँ पर डॉग आ गया तो इसके साथ जो है ना एक छोटा सा बच्चा, ये देखें बकरी का खेल रहा था, तो वो सीन पहले बहुत अच्छा था, इसके साथ टक्कर मिला रहा था ऐसे। और यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे मेमने कितने खूबसूरत, और ईमान कहती है कि ये भागें और मैं इनको पकड़ूँ, तो बच्चे भी इस तरह खुश होते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर ये जो मेरे कज़न हैं इनके घर मुर्गी हैं, गई हैं बछड़े, और ये गई हैं जैसे होते हैं ना कोई देता है आगे मुनाफे पर, तो वो ये रखते हैं, इनको भी फ़ायदा होता है, बकरियाँ। और माशाल्लाह ये बहुत मेहनत कश हैं, बहुत मेहनत कश हैं, अल्लाह पाक इनकी मेहनत को चार चांद लगाए, बल्कि लाखों करोड़ों चार चांद लगाए, अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे, क्योंकि ये बहुत जो है ना जैसे होता है ना ज़्यादा नहीं है,
गरीब भी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा अमीर भी नहीं है, तो रोज़ी रोटी के लिए धूप छाँव नहीं देखते, रात दिन मेहनत करते रहते हैं। अल्लाह पाक इनके कारोबार में, रिस्क में बरकत दे, आमीन। तो एकदम जैसे देसी माहौल नहीं होता बिल्कुल, वैसे मुर्गियाँ, मुर्गे, गायें, बछड़े और कबूतर, हर चीज़ यहाँ पर है इनके घर, हर चीज़ बिल्कुल ही खुले इलाके में। और ईमान का तो यहाँ पे आके दिल लग गया, ये खेल रही है, ये गुल्ली डंडा खेल रही है। चलो सलाम करो ईमान सबको, ईमान सलाम कर दो, सलाम करो, खुश हो यहाँ आकर। और ये जैसी स्कूल से इस खाना भी नहीं खाया, बस जो लंच लेके गई थी, लंच खत्म किया था अपना, टिफिन लेके आई थी घर। और यहाँ पर ये देखें, ये दाने साफ हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर लाइट तो नहीं होती, इस तरह जो है ना खुले में आके बैठ जाते हैं, फिर ये गंदम जो है ना सफा करते हैं घर से दूर। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर दो तीन जो है ना मेरी कज़न भी बैठी हुई हैं, भांजी भी बैठती थी खुले में, जैसे ना बिल्कुल ही कुछ नहीं, ऐसे यहाँ पे बैठ के ना ये दाने साफ हो रहे हैं ऐसे। और मुर्गियाँ भी तंग कर रही हैं ना ये, सारे घर की मुर्गियाँ इधर आ जमा है, दाना खाने आई हैं सारी। ये आएगी इस साइड पे भी हैं और वहाँ पे भी हैं मुर्गी। ये देखें और यहाँ पर इसलिए सुकून है ना कि ये देखें चारों तरफ कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर देखें कपास जो है ना ये डाली हुई है, और इसमें से कपास निकाल निकाल के सेल करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ चल कर ना। ये दूर इसलिए रखते हैं कि इनके घर छोटे छोटे मेमने हैं ना बकरियों के, तो वो खा लेते हैं बीच में रास्ता जो है ना। इसमें मेरे जूते फंस रहे हैं, रेतली ज़मीन है ना, इस वजह से कितने दूर रखे हुए इन्होंने, तो यहाँ से निकाल के जब भी कोई चीज़ वाला आएगा चीज लेंगे, या फिर अपना वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो चलना ही नहीं आ रहा इसमें ना। ये देखें ये निकाल भी लिया ना इन्होंने, ये हम भी ऐसे करते थे बचपन में ना, हमारी अपनी कपास होती थी जब गांव में ना, तो हम भी ऐसे करते थे। फिर ये देखें जैसे ये बना हुआ है ना, इसमें से ऐसे कपास निकलेगी, ये ऐसे ऐसे ना, ये ऐसे, ये हो गया कचरा और ये हो गई कपास, ये सुबह इन्होंने चुन लिया, तो अभी भी ये देखें ना ये बने हुए, ये देखें ये इस तरह सारे कपास अलग। जब भी कोई चीज़ वाला आता ना, तो हमारी ना छतों पे ये पड़े होते, गोगड़े होते हैं ना जो गुल इस तरह के, ये वाले, तो ये हम लोग ना फिर छतों पे डाल देते थे। जब भी कोई चीज़ वाला आता तो फौरन से भाग के जाते, झोली भर के लेते और चीज़ लेते। उस वक्त के दौर बहुत अच्छे हुआ करते थे, हर चीज़ में माशाल्लाह बरकत थी। जैसे हम लोग इनकी कपास की झोली भर के जाते ना, वैसे ही शक्करखंडी होती, अमरूद होते, ज़्यादातर शक्करखंडी, अमरूद और ये पापड़, अब चीनी, ये चीज़ें तो अब वहीं, उस वक्त नहीं, शक्कर फ्रूट होते थे, सेब होते थे और जैसे केले हो गए, उस वक्त जो है ना फ्रूट बेचते थे सेल करने वाले। तो ये देखें ये इनकी निकली हुई है कैसे बीच में ना, ये किसी के अलग हैं और ये अलग हैं और ये अलग हैं, वो अलग थे जो ख़त्म हो गए। ये सामने वही लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये देखें लकड़ियों के ऊपर कपड़े यहाँ पर ना सुखाते हैं, सामने भी पड़े और यहाँ पर भी सारे कपड़े, कोई यहाँ पर तारें नहीं होंगी, ऐसे ही सूखेंगे। ये ईमान भी आ रही है मेरी साइड पर, चलो आ जाओ, नहीं ईमान नहीं, वो नहीं आपके काम की, इधर वापस आ जाओ, ईमान वापस आओ, नहीं करना उसे कुछ नहीं छेड़ना, आ जाओ शाबाश आओ आ जाओ, ये खाने की चीज़ नहीं है, कपास है, आ जाओ। और माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है, और माशाल्लाह हम अपनी खाला से मिलने आए हैं, तो हमें भी अच्छा लग रहा है, खाला को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अब्बू भी आए हैं, ऐशा भी आई है और बच्चे भी हैं, और कह रही हैं कि सब बच्चों को लेके आती, मैंने कहा फातिमा आ जाए ना फिर हम लोग आएंगे। हाँ
दुआ उधर अपने मामा मामू के घर है, मोमानी के पास है, उधर है। तो इनको मुर्गियों ने ना तंग किया, और ये देखें सारी मुर्गियाँ। और ये जो मैंने कपास निकाली है ना, इनको वापस करते हैं। क्यों इन्हें दाने से टेने पी पकड़े इन्होंने ऊपर लेते हैं हमें अल्लाह। तो यहाँ पर एक मुर्गी पकड़ेंगे और उसको जो है ना हलाल करेंगे, जैसे बनाएंगे अभी ताज़ी। ये जो अलग से जा रही है काली, काली, काली। ये जो है ना इसको दाना फेंक रहे हैं, तो अभी जो है ना इनको पकड़ेंगे, फिर इसका जो है ना सालन बनेगा अभी। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय दूध पत्ती वाली, इधर दाने बन रहे हैं। और भी इसको पहले पता चल गया कि मुझे जो है ना आज मेरी हांडी बनने वाली है, तो ये इसलिए भाग रही है इधर उधर। बाकी सारे दाना खा रहे हैं और ये भाग रही है, आज तू नहीं बचेगी। और इनमें से दाने उन्होंने निकाल के बाहर हवा लगा रहे हैं। और दुआ को मैं जहाँ छोड़ के गई थी वहाँ पे खड़ी हुई है। दुआ आओ, ये गुस्से है अभी के मुझे ना मोबाइल पे कार्टून लगा दो। यहाँ पर नेटवर्क है नहीं बिल्कुल ही। चलो आ जाओ, चलें उधर आ जाओ, चाय बन रही है, चाय पीते आ जाओ। इसका गुस्सा जो है ना बहुत ख़राब है। तो ये कह रही मुझे नहीं जाना, तो ठीक है रुको इधर मैं जा रही हूँ। और मौसम देखें कैसा बना, ऐसे लगता है बारिश वगैरह या आंधी तूफान आएगा कुछ भी। अब्बू और खाला ऐशा सब मेरे कज़न वगैरह वहाँ पे बैठ के हाल वाल बांट रहे हैं। ये मुर्गी पकड़ में नहीं आ रही, भाग रही है। अब तो दो तो ऐशा भी पकड़वाने में लगी है कि पकड़ जाए। जी 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 आगे ओए ओए ये पकड़ लेगी ये सब भाग रहे, मुर्गी नहीं पकड़ में आ रही। थक गई हूं, थक गई और बैठा थे। हां कर दिखाया, मुर्गी को पकड़ दिखाया। ये पकड़ के आ गई, मुर्गा पकड़ लिया हमने। यकूब बन गए मेरे से सारे पेटू हन कुत्ते रहे सने सने की में खेत दखड़ा। अच्छा ये ना आ दिया इन बच्चों का ना, ये देखें हाथ मिला रहे। अब तेरी बारी है, ये देखो अब नहीं आ रहा। और इसको जो है मैंने पकड़ा हुआ है। और ये देखे बुला दो बेटा, तो हमने फिर कहा ठीक है अब्बा जी। ये मैंने मुर्गी पकड़ी हुई है, ये बाजी ने मुर्गी पकड़ी हुई बड़ी ऐसे नहीं सीधे जाना था, छोड़ दे। हाँ ऐसे ऐसे सीधे जाए, सीधे हाँ सीधे ऐसे जाए जाए, नौशीन सिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर खाला बना रही हैं मिसाला, साथ में फ्रूट भी ले आए हैं। और ये आ गया मवेशी, मेरा कज़न लेके गया था। ये देख रही है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो रो रही है ज़ोर से। और अभी जा रहे हैं मेरी कज़न के घर। तो माशाल्लाह देखें मौसम कितना प्यारा बना। और हम लोग आए हैं जोग फरीद पर, मैं और मेरे हस्बैंड भी पहले आए थे, आज दौर ईमान आया साथ, तो इनको लेके आए हैं। और यहाँ पर चराकी डालते हैं पैसे, ईमान डालने गई है। बस चले गए आ जाओ, डाल दिए। इसके काम चेक करें, ये झूले खेल रही है। ईमान इसको झूले दो, आराम से देना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ तू जूती कहीं लाती, कहीं लाती। इस साइड पे भी एक ज़ियारत है, यहाँ से बाहर है। अबू भी गए इधर। खुशबू इतना, खुशबू कितनी सोनी हम दीपिए। और ये देखें अकेला दरख्त इस तरह, ये अंदर ज़ियारत, दरबार है अंदर भी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाजरी ले सुन फसा।
काट नहीं पैसे, अब इसका मूड कुछ अच्छा हुआ है बाहर आके। चलो अब चलो नानी अम्मा के साथ, चलो 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 नानी अम्मा जा रही है, चलो हाथ पकड़ लो अम्मा का, हाथ पकड़ लो, चलो 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 पकड़ लो हाथ, ये जिद्दी। तो अब वो भी ज़ियारत करके आगे, देखे कितना प्यारा और खूबसूरत समय, ये देखे यहाँ पर छप्पर इस तरह के गर्मियों सर्दियों के लिए बने हुए हैं, इस तरफ सुनसान है ऐसे ही, और यहाँ पर एक दरवाज़ा है अंदर कुछ अलग ही रौनक है, और बाहर कुछ इस तरह से वीराना है माशाल्लाह। ये कार बैक कर रही है, और यहाँ पर खुई भी है इधर, तो हमारी खाला जन बे पैसे का नहीं, बस जो लो हाँ हाँ जो। तो भी जो है ना मेरी मसाद के घर आते हैं, खाला की बेटी के घर जहाँ पे हम अक्सर आते हैं, तो अभी जा रहे हैं वापस। और ये देखें इन्होंने बकरियों का अलहदा से वो बाड़ा बनाया हुआ है, और गायों का अलहदा से। अच्छा तो यहाँ पे ये मेरी है जो है ना खाला की बेटी कज़न होगी, ये कह रहे हैं खाना खाओ, मैंने कहा नहीं, खाला के घर ना मेरा मसाद जो है ना कज़न हमारा वो मुर्गी बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ मिसाल है मसाद मीठी ज़ात कुकड़ को राती है हमारे। मैंने कहा मुर्गी तो खाएंगे, कुकड़ तो खा लेंगे ना, रात नहीं रुकेंगे, घर चले जाएँगे। क्या हो गया, चलो बैठो। तो अभी दोबारा से आगे खाला के घर, और यहाँ पर अभी भी आग जल रही है लगता है, खाना भी बन रहा है। अच्छा यहाँ पर चार पाँच कैसे लगी हुई हैं और सब बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह ये देखें दाल का सलन, चिकन, नमक, रोटियाँ सब नाम से बैठे हुए हैं। यहाँ पर चलो काफ़ी लेट हो गया घर जाने के लिए, तो बस अभी जा रहे हैं, और भाई यहाँ पर पैसे बंट रहे हैं, सब जने पैसे दे रहे हैं और दुआ को भी पैसे मिले। तो भाई घर आते आते काफ़ी लेट हो गया, तो आज हम जा रहे हैं ऐशा के घर, फिर ऐशा छोड़ने जाते तो काफ़ी लेट होता, अब्बू को भी खांसी थी, तो कल हम लोग अब्बू की दवाई लेके घर चले जाएंगे, और अभी अब्बू नूर जहाँ के सॉन्ग सुन के इंजॉय करेंगे। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।